नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस एपिसोड में हम आप लोगों के लिए बहुत सी ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित, जो कि अपने आप में विशेष और ऐसी फलदायी होती है कि व्यक्ति उसे यदि आजमाता है, उसका प्रयोग करता है निरंतर कुछ समय, तो उसके चमत्कारिक परिणाम वह देख सकता है। ज्योतिष की किसी भी विधा से संबंधित हो, भले ही वह जन्म पत्रिका के माध्यम से रत्न धारण हो, रत्न विधा से हो, रत्न शास्त्र से संबंधित जानकारी हो, या वास्तु शास्त्र से संबंधित भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं विगत 4 वर्षों में जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिन्हें व्यक्ति आजमाए और कुछ समय में ही उसके चमत्कारी परिणाम देख सकता है। इसी तरीके से और भी कई विधाओं से संबंधित जानकारियां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और व्यक्ति के चमत्कारी परिणाम देखते हैं। कई ग्रह के ऐसे उपाय जिन्हें की व्यक्ति करने पर लाभ उनका देखना शुरू करता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे वास्तु शास्त्र में दी गई एक ऐसी जानकारी, जिस जानकारी पर यदि आप अमल करेंगे तो अपने जीवन में हर वर्ष आप लाभान्वित हो सकते हैं, और हर नई जगह पर जब आप प्रवेश करेंगे, वहां पर कुछ समय बिताएंगे, तो उस इस जानकारी का वहां पर भी चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। या कहें कि नया भवन आप बनाते हैं, वहां पर को भी इस जानकारी का आप चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। या आप किसी नए भवन में प्रवेश करते हैं कम समय के भीतर ही सही, तो भी वहां पर कोई इसका चमत्कारी परिणाम आप प्राप्त करते हैं यदि आपके संज्ञान में यह जानकारी हो। हमारे ज्योतिष शास्त्र में आचार्यगण बताते हैं कि यदि कभी भी हमने किसी नए स्थान पर जाना हो और या किसी नए घर में प्रवेश करना हो, नए मकान में प्रवेश करना हो, या नए वर्ष में प्रवेश करना हो, जैसे हम हर वर्ष नया वर्ष मनाते हैं, भले ही वह हम अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार बनाए या हिंदू नववर्ष के अनुसार बनाए, या कोई नई चीज नए स्थान पर कुछ समय बिताना हो, तो वहां पर भी यह चीज अत्यंत ही चमत्कारी और वहां पर को शीघ्र लाभ देने वाली मानी जाती है। जितना समय व्यक्ति वहां पर को रहेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लाभान्वित रहेगा ही। तो यह जानकारी विशेष तौर पर हम नया वर्ष के पहले दिन भी हम इसका प्रयोग कर वर्ष को शुभ चमत्कारी अपने लिए बना सकते हैं। शुभ चमत्कारी का अर्थ है कि उस वर्ष कुछ ऐसे कार्य हो जाना जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बताया गया है कि जब भी हम किसी नए घर में पहली रात बिताते हैं, यानी कि नया दिन आए हमने बिताना है, तो सर्वप्रथम नहा धोकर अपने घर से पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, इन दो एक दिशाओं में अवश्य ही जाना चाहिए। भले ही मार्ग ना भी हो तो कुछ कदम इस दिशा को अवश्य ही अपने घर के बाहर प्रवेश करने के पश्चात चले जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इस तरीके से पूर्व या उत्तर की ओर, और उसके पश्चात इसी दिशा में नजदीक में किसी गौ माता के का चरण स्पर्श करना चाहिए, पूर्व या उत्तर, क्योंकि ये शुभ दिशाएं मानी जाती हैं। इन दो दिशाओं में या इनके बीच की दिशा में कहीं पर भी इस दिशा की ओर कर मैं जाकर उस दिशा में गौ माता का, इसका भी आगे को हम क्या कर सकते हैं उसका भी आपको हम संक्षिप्त विश्लेषण बताएंगे जो आज के दौर में हम लोग कर सकते हैं। तो उस दिशा में गौ माता का हमने उसका गौ माता के चारों चरणों का स्पर्श हमने करना है और अपने वर्ष के शुभकामना के हेतु हमने प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात वहां से पड़ने वाले, जिस जगह पर आप रहते हैं उसके नजदीक के तीन किसी शक्ति शक्तिपीठ, जो बड़े मंदिर माने जाते हैं, जानकारी प्राप्त हो तो बढ़िया है, ना हो तो प्राप्त कर, 3 मंदिरों पे अवश्य ही उस दिन जाना चाहिए। वहां पर को पूजा पाठ जो भी अपने अनुसार हो करनी चाहिए, अपनी मनोकामना आदि या अपने शुभता के लिए प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। इस तरीके से बताया गया है कि व्यक्ति को कहीं भी नई जगह पे या नए दिन को वो करने के लिए, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, जैसे ये पहला दिन हमने कहीं बिताना है तो सर्वप्रथम हम इनमें से गौ माता का उठते ही स्मरण कर सकते हैं। उसके पश्चात तीनों जो वहां पर नजदीक पे शक्तिपीठ हैं जिनकी जानकारी है, या नहीं तो अपनी देवी देवताओं का स्मरण कर सकते हैं। इसके पश्चात
जब हम घर से निकलते हैं तो पूर्व उत्तर दिशा से मैं जब भी कहीं पर गौ माता मिलती है, तो हमें जानकारी हो तो अवश्य, नहीं तो गौशाला में जाकर गौ माता का स्पर्श आदि करना चाहिए। उसके पश्चात अंत में नजदीक के किन्हीं 3 मंदिरों में जाकर पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। प्रातः काल यदि ऐसा कर लिया जाए तो समझ लीजिए कि नया वर्ष, क्योंकि अन्य दिनों तो व्यक्ति को समझ नहीं होता है, आज के समय के अनुसार 1 वर्ष भी व्यक्ति को लगता है कि बहुत कम है, और किंतु वह कर कुछ नहीं पाता है, क्योंकि 1 दिन भी कर लिया तो वर्ष भर के लिए व्यक्ति समझ लेता है। और जो चीज जैसे हम पूजा पाठ ही है, जैसे पंडित जी लोग बताते हैं कि भाई आप इन ग्रहों का जाप करिए, तो हम सोचते हैं कि एक बार कर लिया तो बस सालों तक हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो वर्ष करवाने भी पड़ते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं। तो ये चीजें हमें क्या है कि वर्ष पूर्ण लाभ दे सकती हैं, क्योंकि ऐसे ही कई वचन और भी बताए गए हैं जिन्हें हम करें तो हम लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा किसी भी वर्ष के पहले दिन, हिंदू नववर्ष के पहले दिन, या अपने जीवन का जो अगला नया वर्ष हम बिता रहे हैं वहां पर को भी इस चीज को हम कर सकते हैं। नया है वो भी, तो एक नया दिन है वो भी हमारे लिए। इसी तरीके से जो हमने बताए तो वहां पर को इस चीज को करने से व्यक्ति स्वयं देख सकता है। कहने की कोई बात नहीं है, किसी भी आचार्य विद्वान गण से आप पूछिए कि क्या करना चाहिए, तो इसी में से कुछ 5-6 चीजें बताई जाती है। तो ये 3 चीजें आती हैं जो कि अत्यंत ही सरल है। तो यदि जानकारी आप लोग को पसंद आए तो आप इस पर जरूर अमल करिए, और आगे बढ़ाकर भी आप शेयर कर सकते हैं। और गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी ज्योतिष शास्त्र की आपको देखने को मिलेगी। नवग्रहों से संबंधित जानकारी, उपाय, रत्न धारण आदि कैसे किए जाते हैं, कौन से रत्न फलदायी होते हैं, कौन से कितना क्या चमत्कारी परिणाम हमारे जीवन में दे सकते हैं, कई प्रकार की जानकारी आपको यूट्यूब में उपलब्ध मिलेंगी। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नए नमस्कार, और हर नए वर्ष की आप सभी लोगों को इस एपिसोड के माध्यम से हमेशा के लिए अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।